हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ इंग्लिश सप्लीमेंट्री एंड एलियन हैंड के फर्स्ट लेसन द टाइनी टीचर्स का हिंदी में अर्थ जानेंगे। दियो सो वेरी स्मॉल, यद्यपि बहुत छोटे। द आंट चींटी इज अनबिलीवेबली अविश्वसनीय रूप से इंटेलिजेंट, बुद्धिमान एंड हार्ड वर्किंग और परिश्रमी होती है। यद्यपि चींटी जो है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और परिश्रमी होती है। अमंग द वेरियस काइंड्स, वेरियस विभिन्न काइंड्स प्रकारों में, अमंग बीच में, द कॉमनेस्ट सबसे आम चींटी है काली और लाल। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स, चींटियाँ रहती हैं आरामदायक घरों में, कॉल्ड कहलाती हैं आंट हिल्स, बाबी कहते हैं उसको। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, नाम बताओ स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कीट का, यू हैव सीन जो तुमने देखा है, एंड द वाइजेस्ट और सबसे बुद्धिमान। इज इट द फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है मक्खी, तो क्या ये मक्खी है? नो इट इज नॉट, इजंट, इज नॉट, नहीं ये नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या ये मच्छर है? नो नहीं, नॉट द मॉस्किटो, मच्छर नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, वॉर्म माने होते हैं कि रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, तो तब तो ये मस्ट बी अवश्य होगा वॉर्म, केंचुआ। नो नन ऑफ दीज, नहीं दीज इनमें से नन कोई नहीं। इट इज़ द आंट, ये चींटी है, द कॉमनेस्ट सबसे आम, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, बट द वाइजेस्ट लेकिन सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट कीट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, साउंड्स लगती हैं, तो चींटी की जीवन की कहानी लगती है ऑलमोस्ट लगभग अनट्रू, झूठी, झूठी लगती है। बट लेकिन पीपल हैव कैप्ट आंट्स एज पेट्स, लोगों ने कैप्ट रखा चींटियों को पालतू रूप में, एंड हैव वॉच्ड और देखा देयर डेली, उनकी दैनिक बिहेवियर व्यवहार को क्लोजली नज़दीकी से। सो इसलिए वी नो, हम जानते हैं नंबर ऑफ फैक्ट्स, बहुत बड़ी बहुत संख्या में हम सच्चाई जानते हैं, कई सारी बातें जानते हैं अबाउट बारे में। दिस इज टाइनी, छोटे, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, बुद्धिमान जीव के बारे में। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीनी टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, तो एक चींटी जो है वो प्रयोग करती है इट्स अपने फीलर्स, स्पर्शकों और एंटीनी, उसको एंटीना या फीलर्स बोलते हैं जो स्पर्शक होते हैं, एंटीनी भी वही है, टू टॉक बात करने के लिए टू अदर आंट्स दूसरी चींटियों से, बाय पासिंग, पासिंग मतलब देकर मैसेजेस संदेश थ्रू देम, उनमें से जो इनके फीलर्स होते हैं स्पर्शक और एंटीनी जो बोलते हैं, उनमें से वो अपने मैसेज संदेश पास करती हैं। वॉच ए रो, वॉच देखो अ रो पंक्ति ऑफ आंट्स चींटियों की, मूविंग जाते हुए अप और डाउन, ऊपर और नीचे द वॉल, दीवार पर। ईच आंट ग्रीट्स, प्रत्येक चींटी अभिवादन करती है ऑल द अदर्स, सारे दूसरों का, कमिंग आते हुए, आती हुई फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा से आती हुई, बाय टचिंग, कैसे, टचिंग छूकर, डियर फीलर्स उनके स्पर्शकों को छूकर। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, कई प्रकार की चींटियाँ होती हैं, काइंड प्रकार, द कॉमनेस्ट सबसे आमतौर पर, अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, तो सबसे ज़्यादा आम जो होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आम उनके बीच में कौन सी होती हैं, काली और लाल। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, तो वी हैव सीन देम, हम उनको देखते हैं जब से हम बच्चे थे। बट लेकिन हैवेंट पेड, हैव नॉट, नहीं पेड दिया इनफ, पर्याप्त अटेंशन, ध्यान, टू देम उन पर। वेयर डू दे लिव, कहाँ रहती हैं वो, इन दियर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स, इन में दियर अपने कंफर्टेबल आरामदायक होम्स घरों में, कॉल्ड कहलाती हैं नेस्ट, नेस्ट घोंसले और या बाबी। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, प्रत्येक में सैकड़ों छोटे कमरे और गलियारे होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इन सम कुछ ऑफ दीज इनमें से कुछ कमरों में, रानी चींटी लेज एग अंडे देती है, अदर्स आर नर्सरीज
दूसरी जो होती हैं वो नर्सरी होती हैं फॉर द यंग वंस। यंग वंस मतलब छोटे बच्चों के लिए, जो कि कॉल्ड ग्रब्स। क्या कहलाते हैं? ग्रब्स। ग्रब्स मीन्स लार्वा। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो कार्यकर्ता होते हैं, श्रमिक होते हैं काम करने वाले, उनके रिजर्व्ड आरक्षित क्वार्टर्स होते हैं, कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वे स्पेंड बिताते हैं मोस्ट अधिकतर देयर टाइम अपना समय सर्चिंग खोजने में भोजन। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। कुछ कमरे स्टोर हाउसेज भंडार गृह फॉर दिस फूड, इस भोजन के लिए भंडार गृह के रूप में होते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सिपाहियों की, सोल्जर जो सिपाही होते हैं उनके सेपरेट अलग बैरक होते हैं। नो वर्कर हैव एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। तो कोई भी जो श्रमिक होता है, कार्यकर्ता होता है, वो कभी ट्राइड कोशिश करता है टू लिव रहने की इन अ सोल्जर्स हाउस, सिपाहियों के कमरे में कोई भी कार्यकर्ता रहने की कोशिश नहीं करता। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। तो कोई भी सिपाही गॉन जाता है सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, कोई भी सिपाही भोजन की तलाश में नहीं जाता है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब। कोई भी श्रमिक या सिपाही या सफाई कर्मी लार्वा को हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाता है। सो यू सी, तो तुम देखते हो, एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। एक चींटी का जीवन बहुत शांतिपूर्ण है। ईच डज, प्रत्येक करता है इट्स शेयर, अपने हिस्से का काम इंटेलिजेंटली, बुद्धिमानी से, एंड ब्रेवली और बहादुरी से, एंड नेवर फाइट्स, और कभी नहीं फाइट्स लड़ते हैं, विद साथ अदर मेंबर्स, दूसरे सदस्यों के ऑफ द ग्रुप, समूह के। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक है, बोध परीक्षण। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। तो इसमें जो इटैलिसाइज्ड हैं, जो तिरछे अक्षर हैं, फ्रेजेस, वाक्यांश है ये, साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, इसका मतलब लिखना है हाईली एग्जैगरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो इसका आंसर है टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन। वी नो ए नंबर फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव कैप्ट द आंट्स एज पैट्स एंड वॉच्ड देयर बिहेवियर क्लोजली। इन वट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल? द आंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज ईच वन डज इट शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली, वाइजली एंड ब्रेवली। The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begin to lay eggs. तो रानी जो चींटी होती है, उसके एक जोड़ी पंख होते हैं जिसे वो छोड़ देती है या हटा देती है अपने अंडे देने की शुरुआत से पहले, begins, जब वो शुरू करती है अंडे देना तो उससे पहले वो हटा देती है। Eggs hatch, अंडे से जाते हैं, and become grubs, और larva बनते हैं। ग्रब्स चेंज इन टू कोकून्स, और जो लार्वा होते हैं वो कोया, कोकून्स कहते हैं उनको, बनते हैं। कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स, और जो कोकून होते हैं वो एक पूरी चींटी के रूप में जब फूटते हैं तो बाहर एक पूरी चींटियाँ आती है। द लाइफ ऑन एन ऑर्डिनरी आंट एंड इन द आंट हिल इज़ ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। तो एक साधारण चींटी जो बाबी होती है, उसमें एक साधारण चींटी का जीवन एक पूरी किताब है, विद जिसे मैनी ऑफ अस, हम में से कई लोग, सेल्डम, बिरले ही ओपन खोलते हैं। सेल्डम मतलब हम कभी, बहुत ही कम देखते हैं या खोलते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। तो जो रानी होती है वो माँ होती है एंटायर पॉपुलेशन, पूरी आबादी की, बस्ती, कॉलोनी मीन्स बस्ती की पूरी आबादी की माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये 15 सालों तक रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके एक जोड़ी विंग्स, पंख होते हैं